जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम झारखंड से हैं और झारखंड में हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड के ये ग्राम पंचायत दुरमहा के अंतर्गत बूढ़ीडीह गांव का नाम है, जहां पे यहां पे सभी लोगों का राशन मिलता है यहां क्षेत्र के लोगों का। और यहां पे देखिए कि 3-4 दिनों से ये जो एरिया में जो है सो बिल्कुल भी ये जो 2G नेटवर्क है इसका मशीन का, तो इसमें नेटवर्क नहीं रहता है और लोगों का इसके वजह से राशन लेने में बहुत दिक्कत है। सब लोग यहाँ के किसान लोग हैं और इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खेती का समय है और यहाँ पे बिल्कुल भी ये वर्क नहीं करता है। देखिए कितने सारे लोग जो हैं पूरे तरह से जो है सो परेशान है, देखिए, और 3-4 दिनों से परेशान है। यहाँ पर देखिए कुछ हम यहाँ पर दादी से भी मिलवाते हैं। बोलिए दादी, आप कितना दिन से परेशान है राशन लेने? 4 दिन से कूद रह रही है, राशन नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं कर रहा है मशीन, ये बिल्कुल नेटवर्क जो है सो काम नहीं कर रहा है। और ये देखिए भैया, डेली सुबह 5:30 बजे के बाद जो है सो ओपन कर देते हैं ताकि ये जो है काम करे, और सुबह में 5:30 बजे से लेके अभी तक देखिए 9 बज गया है और 9 बजे तक अभी तक जो है सो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। देखिए भैया से भी बात आपको करवाते हैं। हाँ बताइए भैया, मशीन जो है से कब से आपका नहीं चल रहा है, ये काम नहीं कर रहा है? 5 दिन से 16 तारीख से खुल के बैठे हुए हैं, अभी तक आधा भी वितरण नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह से कैसे वितरण होगा और झारखंड सरकार इस पे जो है से कोई जो है सो नेटवर्क के कुछ नहीं हो रहा है, ना एमओ साहब इस पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब खाद आपूर्ति पदाधिकारी बिल्कुल रूप से इस पर इस मशीन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सोच के देखिए कि हम लोगों के क्षेत्र में 5G नेटवर्क आ गया है और अभी मशीन वाला अभी भी 2G में ही चल रहा है, लोगों को इतना परेशानियों का सामना, कम से कम 4G भी तो दे दीजिए ताकि ये काम हो सके। देखिए बाबा जी, देखिए बैठे बैठे जो इनको नींद आ रहा है, देखिए कितने सारे लोग जो है बैठे हुए हैं सुबह 6 बजे से। तो ये वीडियो जो है आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि झारखंड सरकार तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि इस मशीन में बदलाव किया जा सके और लोगों का जो है मशीन में नेटवर्क आ सके ताकि जो है सो राशन उठाने में इतना परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसी बात के साथ हम आप लोगों को इसी बात के साथ ये वीडियो को हम एंड करते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर बहुत दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।